हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक मशीन्स। तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से पढ़ते हैं, और जो मैकेनिकल स्टूडेंट हैं वो हाइड्रोलिक मशीन्स के नाम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ अ साइंस इन विच स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ फ्लूइड। जो फ्लूइड होता है हमारा, फ्लूइड के बिहेवियर को जिस ब्रांच ऑफ अ साइंस में स्टडी करते हैं उसी को कहा गया है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जो बिहेवियर है हमारा फ्लूइड का, फ्लूइड को हम ऐसा नहीं कंसिडर कर सकते कि फ्लूइड सिर्फ लिक्विड ही है। फ्लूइड मीन्स कि गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। तो उसकी जो बिहेवियर की स्टडी करते हैं उसी को कहा गया है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। अब ये जो बिहेवियर है ये दो टाइप से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि व्हेन द फ्लूइड आर इन एट रेस्ट, जब उसमें किसी टाइप का मूवमेंट नहीं हो रहा है। सपोज ये हमारा एक फ्लूइड का पार्टिकल्स है, इसमें किसी टाइप का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है और तब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो तब उस स्टडी को कहा जाता है फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है। तब हम उसको कहेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स व्हेन द फ्लूइड आर एट रेस्ट, ठीक है। व्हेन द फ्लूइड आर इन मोशन एंड प्रेशर फोर्स विल नॉट कंसिडर, अगर हम प्रेशर फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं और फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं उसमें किसी टाइप का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तब हम उसको कहेंगे काइनेमेटिक फ्लूइड या फिर फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है। और व्हेन द फ्लूइड आर इन मोशन एंड प्रेशर फोर्स आल्सो कंसिडर, तब हम उसको कहेंगे फ्लूइड डायनामिक्स, तब हम उसको कहेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। तो इस टाइप से जो हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स की जो ब्रांच है जिसकी हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ फ्लूइड की, तो तीन टाइप से हो गई। व्हेन द फ्लूइड आर एट रेस्ट तब हम उसको कहेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स, व्हेन द फ्लूइड आर इन मोशन एंड प्रेशर फोर्स विल नॉट कंसिडर तब हम उसको कहेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स, व्हेन द फ्लूइड आर इन मोशन एंड प्रेशर फोर्स आल्सो कंसिडर तब हम उसको कहेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। तो इस टाइप से हम इसकी स्टडी करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में बिहेवियर ऑफ फ्लूइड की। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड। फ्लूइड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हमने ली है उसे कहा गया है डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी, हिंदी में डेंसिटी को बोलते हैं हम घनत्व, जिसको कि एक ग्रीक वर्ड है रो, उससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ अ फ्लूइड टू वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। तो जो मास होगा, जैसे सपोज हमारे पास कोई इस टाइप का एक ग्लास है, इसमें हमने लिक्विड को लिया है, सपोज हमने यहाँ तक इसमें लिक्विड फिलअप कर दिया, तो इस लिक्विड में जो मास होगा उसका इस वॉल्यूम के साथ जो रेशियो है उसी को कहा जाएगा डेंसिटी या फिर घनत्व, जिसको कि हम रॉ से डिनोट करते हैं। तो मैथमेटिकली हो जाएगा ये डेंसिटी इज इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम, मीन्स एम अपॉन वी, और यूनिट हो जाएगी इसकी केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी, जैसे सभी अलग अलग जो लिक्विड है तो उनका अलग अलग वॉल्यूम में अलग अलग मास होगा। जैसे कि हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर का जो डेंसिटी होती है वो 1000 kg per meter cube होती है। जैसे कि हम मरकरी की बात करते हैं
तो 13.6 इंटू 10^3 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो अलग अलग लिक्विड की अलग अलग डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी क्या हुई हमारी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वहीं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी लिक्विड की, वो है हमारी स्पेसिफिक वेट, यानी कि विशिष्ट भार। तो स्पेसिफिक वेट क्या होगा, इट इज अ रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूड। वेट ऑफ द फ्लूड का वॉल्यूम ऑफ द फ्लूड के साथ जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसी को कहते हैं हम स्पेसिफिक वेट। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वेट हो गया हमारा कैपिटल W अपॉन जो वॉल्यूम हो गया हमारा, ठीक है। तो वेट को हम कैसे लिख सकते हैं, m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन v, ठीक है। और m अपॉन v क्या होता है हमारा, डेंसिटी, यानी कि रॉ इंटू जी, ठीक है। तो हमारा जो स्पेसिफिक वेट हो जाएगा विच इज इक्वल टू रॉ इंटू जी, ठीक है। और यूनिट हो जाएगी, अगर हम वेट ऑफ द फ्लूड को न्यूटन में मेजरमेंट कर रहे हैं तो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये हो जाएगी यूनिट स्पेसिफिक वेट। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी कि विशिष्ट आयतन, हिंदी में बोलते हैं इसको। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, इट इज अ रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूड टू द मास ऑफ द फ्लूड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूड का मास ऑफ द फ्लूड के साथ जो रेशियो है, उसी को कहा जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो v अपॉन m हो जाएगा, और m अपॉन v क्या होता है, डेंसिटी। इट मीन्स इट इज अ रिवर्स ऑफ द डेंसिटी 1/ρ, रो इज अ सिंबल ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो ये रिवर्स ऑफ द डेंसिटी हो गया हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर क्यूब पर kg, ठीक है। या फिर हम इसको दूसरे टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई पर यूनिट मास में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है कोई लिक्विड, उस वॉल्यूम को हम कहेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम, कि यूनिट मास में जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है उस वॉल्यूम को हम कहेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, जैसे डिफरेंट हमारे पास लिक्विड हैं, उन डिफरेंट लिक्विड की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजरमेंट करनी है, ठीक है। तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूड। स्टैंडर्ड फ्लूड क्या होगा, अगर हम लिक्विड, कोई हमारे पास अननोन लिक्विड है, उसका हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है, तो उस लिक्विड की जो डेंसिटी है उसका स्टैंडर्ड फ्लूड की डेंसिटी के साथ जो रेशियो है, वही हमारी उस फ्लूड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, ठीक है। तो जैसे सपोज हमने कोई लिक्विड कंसिडर किया है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सपोज एस है, जो हमें कैलकुलेट करनी है, और उसकी डेंसिटी आपको दी गई है। और स्टैंडर्ड फ्लूड हम लिक्विड के केस में, अगर वो लिक्विड है तो स्टैंडर्ड फ्लूड होगा हमारा वाटर, ठीक है। अगर वो गैस है तो स्टैंडर्ड फ्लूड होगा हमारा एयर, ठीक है, गैस के केस में, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ अ फ्लूड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड, यानी कि वाटर, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इस फ्लूड की, अननोन फ्लूड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी फ्लूड की। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कि है हमारी विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूड विच इज़ रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ अ लेयर ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ अ फ्लूड। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी लेयर लिक्विड की, ठीक है, जिसमें कि मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और उस मूवमेंट को अपोज, जैसे ये लेयर है इसकी कुछ स्पीड है, ये वाली लेयर है इसकी कुछ और स्पीड है, तो इन लेयर्स के बीच में एक फोर्स काम करता है जो कि इनके फ्लो का, जो कि इनके जो फ्लो हो रहा है, जो बह रही है ये लेयर्स, उन फ्लो का अपोज करता है, उसी को कहते हैं हम विस्कस फोर्स, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम विस्कोसिटी, ठीक है। इसको न्यू, एक वर्ड है ग्रीक वर्ड न्यू, उससे डिनोट करते हैं हम ऐसे,
हिंदी में इसको श्यानता कहते हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या होगी? विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूड विच इज ऑफ विच ऑफर टू रेसिस्टेंस वन लेयर ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ अ फ्लूड, जो कि एक दूसरे जो लेयर्स हैं उसके बहने का फिसलने का विरोध करती है, उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम विस्कोसिटी, ठीक है। तो जो विस्कोसिटी हुई हमारी, जैसे सपोज हम इसको समझते हैं, जैसे हमारा ये डिस्टेंस हो गई इधर डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर हमने वेलोसिटी ले ली, ठीक है। तो जैसे सपोज ये लेयर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इस लेयर की जो वेलोसिटी है वो सपोज यू है, ठीक है। कुछ ऊपर डिस्टेंस पर यहाँ पर हमने इस लेयर की वेलोसिटी मेजरमेंट की, उसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ थोड़ी ज़्यादा आई है यू प्लस डी यू। ये जो डिफरेंस आया है वेलोसिटी का, सपोज ये डिस्टेंस है हमारी डी वाई, डी वाई डिस्टेंस पर वेलोसिटी यू से बढ़कर हमारी यू प्लस डी यू हो जाती है, और इनके बीच में जो स्ट्रेस डेवलप हुई है, जो डेवलप हुई है वो कितनी होगी? वो होगी हमारी जो वेलोसिटी चेंजेस हुई है पर यूनिट डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो शियर स्ट्रेस वर्क कर रही है लेयर्स के बीच में, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डी यू ओवर पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट डी वाई, कितने डिस्प्लेसमेंट पर हमारे वेलोसिटी में चेंजेस हुए हैं, इतने स्ट्रेस इन दोनों लेयर्स के बीच में वर्क कर रही है, ठीक है। अगर हम इस प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसमें ऐड कर दें, जिसको कहा गया है न्यू, तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू न्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई। तो ये जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसी को कहा गया है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, न्यू। तो ये हो गया हमारा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, विच इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन डी यू ओवर डी वाई, ठीक है। तो इस टाइप से हम विस्कोसिटी को समझ सकते हैं। तो विस्कोसिटी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे कि विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूड विच इज ऑफर टू रेसिस्टेंस ऑफ वन लेयर ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूड, यानी कि जो एक दूसरे की जो लेयर्स हैं लिक्विड की, उनका फिसलने का जो विरोध करती है, उसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे विस्कोसिटी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। उस तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हुई कि जो डायनामिक विस्कोसिटी, ये इस विस्कोसिटी को, सिंपल विस्कोसिटी को हम डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। तो विस्कोसिटी का और डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी कि न्यू अपॉन रो, ठीक है। इट इज अ रेशियो ऑफ द विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड विच इज नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और इसको म्यू से डिनोट करते हैं हम ऐसे, ठीक है, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक। और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी पॉइस, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी स्टॉक, ठीक है। अगर हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने विस्कोसिटी के रिलेशन में एक लॉ दिया था। तो इन्होंने कहा था कि जो शियर स्ट्रेस बिटवीन दी लेयर्स होती है, ठीक है, जो शियर स्ट्रेस बिटवीन दी लेयर्स है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द शियर स्ट्रेन मींस डी यू ओवर डी वाई। अगर हमारे पास दो लेयर्स हैं लिक्विड की, उनके बीच में जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगी विच इज इक्वल टू, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द शियर स्ट्रेन, इसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी क्या हुई? जैसे हम किसी लिक्विड को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, जैसे सपोज ये हमारे पास कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें हमने डेल्टा पी प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, या फिर छोड़ दीजिए, हमने पी प्रेशर अप्लाई किया,
उस टाइम पे जब प्रेशर अप्लाई किया उससे पहले इसका प्रेशर था पी और वॉल्यूम था वी। ठीक है, अब प्रेशर अप्लाई करने से इसमें जो प्रेशर में चेंजेस आए वो इंक्रीज़ हो गया, तब इसका प्रेशर हो गया डेल्टा पी और वॉल्यूम हो गया इसका डेल्टा वी। ठीक है, तो एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, विच इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर डी पी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। जो वॉल्यूम में चेंज हुआ है उसका ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ जो रेशियो है उसी को कहते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, विच इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, और जो कंप्रेसिबिलिटी होती है विच इज इक्वल टू द रिवर्स ऑफ द बल्क मॉडुलस यानी 1/k, उसको कहते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से समझा होगा क्या होती है कंप्रेसिबिलिटी। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होती है? कैपिलरिटी क्या है, एक वर्टिकल ट्यूब होती है हमारे पास, जैसे हम किसी, ये हमारे पास कोई लिक्विड था सपोज, इसमें लिक्विड भरा हुआ था, ठीक है, और इस लिक्विड में हम एक स्मॉल ट्यूब वर्टिकल इस टाइप से रखते हैं। ठीक है, तो उस वर्टिकल ट्यूब में जो लिक्विड का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा इस नॉर्मल लेवल से या फिर डिक्रीज हो जाएगा इस नॉर्मल लेवल से। ठीक है, ये क्यों होता है? ड्यू टू द वेरिएशन या फिर डिफरेंस ऑफ द प्रेशर हेड। ठीक है, तो इस जो वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है हमारा कैपिलरिटी ट्यूब इसको बोलते हैं हम, इस कैपिलरिटी ट्यूब में लिक्विड के जो लेवल है उसको राइज होना या फिर फॉल होना उसी को कहते हैं हम कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी क्या हुआ? कैपिलरिटी ट्यूब में लिक्विड का राइज करना, ठीक है, और कैपिलरिटी ट्यूब में लिक्विड का जो लेवल है उसको फॉल करना या फिर हम कहेंगे कि कैपिलरिटी डिप्रेशन करना उसी को कहते हैं हम कैपिलरिटी। ठीक है, तो इन लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ है इन्हीं के बेसिस पे हमने फ्लूड को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कई टाइप्स के फ्लूड हैं, जैसे कि हम बोलते हैं आइडियल फ्लूड, रियल फ्लूड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड या फिर नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। अब इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है कि जो हमारे आइडियल फ्लूड होते हैं, ठीक है, आइडियल फ्लूड क्या हुआ कि अगर हमारा जो लिक्विड है उसमें किसी प्रकार का, किसी टाइप की कोई विस्कोसिटी ना हो, किसी प्रकार की कोई कंप्रेसिबिलिटी, उसको कंप्रेस ना किया जा सके, विस्कोसिटी ना हो, ठीक है, जिस विस्कोसिटी नहीं होने का मतलब क्या है कि जो लेयर की स्पीड नीचे वाले की है वही लेयर की स्पीड ये होगी, वही ये होगी। ठीक है, यानी कि बीच में किसी टाइप का कोई विस्कस फोर्स वर्क नहीं करता अगर किसी लेयर्स के बीच में, तो उसी को कहेंगे हम आइडियल फ्लूइड, जिसमें विस्कोसिटी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं रियल फ्लूइड की। तो रियल फ्लूइड क्या हुआ कि जिसमें कि हमारी विस्कोसिटी होगी, जो कि कंप्रेसिबिलिटी होगी, जिसको कंप्रेस किया जा सकता है, वो होगा हमारा रियल फ्लूइड। तो जितने भी फ्लूइड हमारे एग्जिस्ट करते हैं वो सारे सारे क्या हैं, रियल फ्लूइड है। और ये जो हमारा आइडियल फ्लूइड है ये इमेजिनरी फ्लूइड है, ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जिसमें विस्कोसिटी ना हो। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम बात न्यूटोनियन फ्लूइड की। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या हुआ, विच इज़ फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है कि जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। यानी कि उसमें क्या होगा कि जो शियर स्ट्रेस बिटवीन द लेयर्स है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, अगर ऐसा है तो उसको कहेंगे हम न्यूटोनियन फ्लूइड। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की, तो वो क्या होगा कि जो लिक्विड हमारे, जो फ्लूइड हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं उसको कहेंगे हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बीच में, तो वो कुछ इस टाइप से रहेगा। जैसे ये अगर हमारे लिक्विड मान लेते हैं हम आइडियल लिक्विड, और इसको मान लेते हैं आइडियल सॉलिड। ठीक है, तो जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं वो क्या हो जाएंगे, जिसमें जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, और जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है वो कुछ इस टाइप से हो जाएंगे।
जिसमें कि हमारी शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, ठीक है। और एक होता है हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लोर, तो आइडियल प्लास्टिक फ्लोर क्या होगा कि जिसमें क्या है कि जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो यील्ड पॉइंट से थोड़ी ज़्यादा होगी, यानी कि जिसमें यहाँ जीरो है तो ये यील्ड पॉइंट से थोड़ी ज़्यादा होगी, देन द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये हो गया हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूड। तो इस टाइप से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूड के बीच में, ठीक है। तो ये आप लोगों के अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।